हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम कुछ अलग सा करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम पॉट कलर करने वाले हैं, ये वाला। और हमें कुछ सामग्री लगती है, वो है कलर्स। आप दूसरे कलर्स यूज कर सकते हो, पर पहला व्हाइट जब हम लगाते हैं तो उसके बाद जब दूसरा कलर लगाते हैं तो मतलब ये पहला कलर जो लगाते हैं ना वो अच्छा लगता है दूसरे कलर के ऊपर, इसलिए पहले हम व्हाइट लगाएंगे, उसके बाद ये ब्राइट कलर का ऑरेंज लगाएंगे और फिर हम ये सेलो टेप लगाएंगे। वो कैसी लगानी है मैं आपको बाद में बताऊं। ये है पॉलिश पेपर, इससे हम इस स्पॉट को रगड़ेंगे। और ये है सीजर, इससे हम ये कट करेंगे। और दूसरे कलर्स ये है ऑप्शनल, आप लगा सकते हो, नहीं लगाने उन्हें। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो पॉट है इसको सिर्फ रखते हैं इधर, ये सब गया है। तो हम इस पॉट को जरा पॉलिश कर लेते हैं। चलो मैं पॉलिश कर लूं। अंदर से भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो मैंने कर लिया है, ये ज्यादा गंदा नहीं था इसलिए मैंने इसको ज्यादा नहीं। तो ये सारे जो है निकाल दिए अच्छी तरह से साबुन लगा के लिए ऐसे। तो इसको सूखने में थोड़ी देर लगेगी तो मैं पॉज कर लेता हूँ वीडियो और सूखने के बाद आपको दिखा देता हूँ। चलो तो गाइस, ये जो पॉट है वो सूख चुका है और हम इसको कलर करने वाले हैं। चलो कलर ले आओ। ये है हमारा कलर व्हाइट वाला, वो भी फैब्रिक वाला। इसे फैब्रिक कलर क्यों कहते हैं? फैब्रिक कलर जो है वो शाइन करता है, इसलिए हम इसको फैब्रिक कलर लगाएंगे। और आपको इसको मतलब अच्छा दिखना चाहिए तो इसको हमें ऐसे मतलब पानी मिक्स नहीं करना चाहिए। पानी मिक्स किया ना तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। आपको करना चाहिए तो आप कर सकते हो, पर पानी जब हम मिक्स करते तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं ऐसे ही कलर दे रहा हूं। ये है हमारा ब्रश और ये है कलर। तो चलो इसको मार देते हैं कलर जोर से। तो हम इस कलर को निकाल दिया है, मैंने इस कलर को देख सकते हैं। और ये जो ब्रश है तो इसकी बहुत बदबू आ रही है, फैटी कलर नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है। मतलब इस स्पॉट मैंने इसको गीला कर दिया था, इसका एकदम मस्त वाह था फिल्म थी और एकदम बेकार। तो चलो इसको कर देते हैं हम इसके पास को, मतलब सहना पड़े। तो चलो और पूरा डुबा दिया है मैंने मार दे कलर। तो हमने कर लिया है इसको पूरा का पूरा कलर, देख सकते हो। तो इस ब्रश को खींच लेते हैं, तो मैंने खोच लिया है ये दो तरह। तो लगा देते हैं, हमारा व्हाइट कलर पूरा पूरा रेडी है, आप देख सकते हो। और
ये जल्दी से सूख जाता है क्योंकि फैब्रिक कलर से और शाइन भी होता है। तो इसके बाद हम इसको लगाएंगे सेलो टेप, वो भी किधर गई किधर गई, देखो आप देख सकते हो कि इधर है सबे। तो इसको निकाल देते हैं, इधर है ये देखो मुझे मिल चुका है। तो इससे काटे इससे काटे इधर है ना, हमने इस पे एक चिपका दी है और हमारे पास कटर, इससे हम कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे ऐसा, फिर ऐसा स्टॉप। तो हमने ट्राई किया है इसको कट, मतलब सेलो टेप चिपका के कट किया है, तो निकाल के देख लेते हैं क्या होता है। तो सक्सेसफुली गाइस एक तो ट्रायंगल आ चुका है, हम इसको जहाँ भी लगाना है उधर लगा सकते हैं, मुझे इधर लगाना है तो मैं इधर लगा सकता हूँ, मैंने इधर लगा दिया पहला, फिर दूसरा। तो गाइस दूसरा भी सक्सेसफुली आ चुका है, तो इधर जैसे ट्रायंगल है वो हम सब चिपका देते हैं, तो तब तक के लिए वीडियो स्टॉप कर लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, हम मिल चुके हैं और मैंने सब इसको टेप लगा दिए है, थोड़ी सी गंदी हो गई है पर चले। तो अब मैं इसको कलर दूंगा ऑरेंज। Mais qu'est-ce que tu as fait? Chalo, tu te chapes sur la tête. Alors, c'est le bordel dehors. Et alors, c'est pour comment faire? Non, 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 c'est. पूरी तरह से सेलो टेप निकाल दिया, देख सकते हो, और सब
terase निकालिए और व्हाइट कलर भी अच्छा लग रहा है इसके अंदर आई थिंक सो मैंने सब निकाल दिए अंदर से और मतलब बाहर से तो आप देख सकते हो आपको अच्छा लगा या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने की मत भूलिएगा और अगली वीडियो में पॉट को कलर करने या फिर क्या करूँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा थैंक यू